धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू, कैसी होनी चाहिए धनतेरस की झाड़ू, झाड़ू लेते समय किस बात का रखे ध्यान, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। दीपों का त्योहार दिवाली में अब कुछ ही दिन और बाकी हैं, लेकिन इसके दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जिसकी धूम अब बाजारों में खूब देखने को मिल रही है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना की जाती है। वहीं इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान है। अगर आप भी धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। मत्स्य पुराण के मुताबिक झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, यही वजह है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है। कहते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती है, ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए। मान्यता के मुताबिक सीको और फूल वाली दोनों ही तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। धनतेरस के दिन जो भी झाड़ू खरीदे, ध्यान रहे कि वो घनी हो। मान्यता के मुताबिक झाड़ू जितनी ज्यादा घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। धनतेरस की झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखे कि झाड़ू कहीं से भी टूटी हुई ना हो, क्योंकि वास्तु में इस तरह की झाड़ू को खंडित माना जाता है। मान्यता है कि टूटी सीख वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। कहते हैं कि प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।